बताओ बताओ, वो हर व्यक्ति को गले लगा के चलते हैं, क्योंकि उसने किसी के पसीने में बदबू नहीं आती, उसने पसीने में खुशबू आती है, और इन्होंने लोगों के पसीने में और लोगों में बहुत भारी बदबू आती है। क्या ये लोग इस बादमपुर हल्के की सेवा कर सकते हैं? मैं सही बात एक बात कहता हूँ, इस बात की तारीद करता हूँ। मैं तो सोचता था कि कुलदीप बिश्नोई 98% विधानसभा से गायब रहते थे, 98% जो हमारी कमेटी होती उसमें गायब रहते थे, और आज ये पता लगा मैं पिछले 15 दिन से हूँ कि 98% आदमपुर से गायब रहते हैं। क्या ये लोग सेवा करेंगे? मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपके आने वाले मुख्यमंत्री है, ये नए साल का नए युग का उदय होने वाला है, 2024 में ये आपके मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों की आंखें बता रही है। और हुड्डा साहब, ये आपके आशीर्वाद, इसे जनता आपके साथ खड़ी है, ये जनता यहाँ से जयप्रकाश जेपी को, इनका ये जो कहते गढ़, ये गढ़ कांग्रेस का है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। अंत में मैं एक चीज हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आज ये इतनी छोटी पंडित कालू शर्मा बैठे हैं, पंडित कालू ये ऐसी हरकतों पर आ चुके हैं कि लोगों के घरों की तलाशी ले रहे हैं। पंडित कालू ये ब्राह्मण समाज का छोरा है, कुलदीप बिश्नोई एक बात सुन ले और बीजेपी वाले सुन लेना, सीना ठोक के कहते हैं तुम्हारा विनाश आदमपुर से शुरू होगा, राजनीतिक वक्त आदमपुर से शुरू होगा, और आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।